नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि गर्मी में आपके जब चिक्स को कैसे रख रखाव उसका करना है आपको, और जो टेम्परेचर होता है वो चिक्स के लिए बहुत ही, जब आपका छोटा चूजा होता है तो आप उसमें टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, फिर धीरे धीरे चिक्स बड़ा हो जाता है तो उसमें टेम्परेचर गर्मी की वजह से ज़्यादा रहता है, जिससे वो चोंच खोल के सांस लेता है और काफ़ी दिक्कत आती है उसमें, बीमारियां भी ज़्यादा आती हैं, इम्यून सिस्टम जो है चिक्स का वो घट जाता है। तो हम बताएंगे आपको कि अपने फार्म में कुछ तैयारी करके रखें गर्मियों की वजह से, ताकि जो चिक्स है आपका उसको ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो आप जब आपके फार्म में चिक्स आता है तो आप एक गलती न, ये गलती ना करें कि अब तो गर्मी है, टेम्परेचर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो टेम्परेचर बराबर बना के रखें फार्म में, जब भी आपके फार्म में चिक्स आता है। और उसके बाद में जैसे हमने बताया था अपनी वीडियो में कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे घटाना है, तो उस हिसाब से आप उसको लेके चलना, चलिए अपने चिक्स को। और फिर उसके बाद में अपने पर्दों को गर्मियों में खुला रखें, ज़्यादा बंद ना करें। और ये तो अभी फार्म खाली है, अभी चिक्स नहीं आया इसमें, इसलिए इसके पर्दे बंद है। और आप देख सकते हैं कि कैसे गर्मियों में जिस तरीके से धूप आती है, क्योंकि जो फार्म होता है वो ईस्ट और वेस्ट के फेस बनता है, तो उसको धूप के को से बचाने के लिए कैसे, देखो आप देख सकते हैं किस तरीके से पेड़ लगा रखे हैं फार्म के दोनों साइड में, लगाए हुए हैं ताकि जो गर्मी है वो धूप है वो डायरेक्ट पर्दों पे ना लगे, क्योंकि ये प्लास्टिक के पर्दे होते हैं और उन पे जैसे ही धूप लगती है तो वो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा हो जाता है फार्म में चिक्स में। तो उसको उसको अपने पर्दों पे ज़्यादा धूप ना आने दें, और चिक्स में भी ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट ना लगे आपके चिक्स को। तो इस तरीके से अपने जाए आप पर्दे बाहर की तरफ निकाल लें, ताकि जो धूप है वो पर्दों पे लग जाए और आपके फार्म भी खुला रहे, उसको बाहर बाहर की तरफ अपने पर्दों को आप कर सकते हैं। और बहुत से किसान भाई जो होते हैं वो टाट, एक होती है पल्ली, टाट का जो पल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो उस पर जब भी धूप लगती है वो तो गर्म नहीं होता, वो जूट जूट बोल देते हैं उसे, जूट का जो पल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में, और उसमें टेम्परेचर ठीक रहता है। और अपने चिक्स को दोपहर के टाइम में, मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कौन कैसा कैसे इलेक्ट्रोलाइट आपको देना है, तो अपने चिक्स में दोपहर के टाइम में इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि जो उसका इम्यून सिस्टम है वो ठीक रहे और गर्मी की वजह से जो उसने एनर्जी लॉस किया है वो भी उसको मेंटेन रखे। और अपने फार्म में जो जो बीट है वो गर्म होती है, जब जो चिक्स है वो बीट कर देता है तो वो गर्म होती है फार्म में नीचे, तो उसको वो डायरेक्ट चिक्स उस पर बैठा रहता है तो वो नीचे से ख़राब हो जाता है, तो उसको आप निकाल दें फार्म से, इसका भी ध्यान रखें, ठीक है। और आप सभी किसान भाइयों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।